नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स फॉर बिगनर इन हिंदी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। इंट्राडे ट्रेडिंग के जो एडवांटेज है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहला एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पर फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको इंट्राडे में कई बार आपको बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके कारण आप कई बार यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो ओवरनाइट रिस्क रहती है, यानी आप सेम डे आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, उसको बुक कर लेते हैं, जिसके कारण आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं रहती है। यहाँ पर आप किसी भी ट्रेड में फटाफट बाय और फटाफट सेल कर सकते हो, यानी कि फास्ट इन एंड आउट कर सकते हो, जिसे कि स्कैल्पर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही कम पेशेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको अगर स्कैल्पर है तो 10 से 15 मिनट में आपका ट्रेड फुलफिल हो जाता है और आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जबकि ट्रेडिंग में एक हफ्ते तक वेट करना पड़ सकता है और पोजिशनल में आपको कुछ महीनों तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइम है आपके पास, आप मॉर्निंग में एक घंटा ट्रेड कर सकते हो या शाम को ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में इक्विटी में आप जब काम करते हो तो यहाँ पर आपको 5 गुना तक मार्जिन की फैसिलिटी मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट दोनों साइड बुक कर सकते हो, सेलिंग साइड भी आप एंट्री बना सकते हो और बाइंग साइड भी एंट्री बना सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, जो कि ऑप्शन सेलर होते हैं, जो मंथ के एंड में 2-4% का ही उनको रिटर्न मिलता है, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप 200% से भी ज्यादा का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेज है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो पहला डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है और जिसके कारण कई सारे ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। यहाँ पर आप इमोशन से भरे होते हैं, जिसके कारण आप इंट्राडे में जो एंट्री है वो सही नहीं ले पाते, जिसके कारण आपको बिग लॉसेस और स्मॉल प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप स्क्रीन को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, आपको ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप यहाँ पर स्कैल्पिंग के थ्रू दिन में कई बार ट्रेडिंग करते हो, कॉल पुट बाय सेल करते रहते हो, जिसके कारण एक और ट्रेडिंग की लत लग जाती है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ट्रेड करने पर चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ते हैं और अगर आप कम ट्रेड करते हो तो कम चार्जेस देने पड़ते हैं, पर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ओवर ट्रेडिंग के कारण यहाँ पर आपको चार्जेस ज्यादा देने पड़ सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको स्ट्रेस है या ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एंड ऑफ द डे लॉस ही होगा। आप इमोशन से भरे होने के कारण रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे और रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा ही नुकसानदायक होती है, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम फंडामेंटल और मैक्रो न्यूज को इग्नोर कर देते हैं, जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं, जिसके कारण हम बहुत छोटा प्रॉफिट बुक कर पाते हैं, जबकि अगर बड़े टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस बने रहते हैं। इसी प्रकार को उन दिनों में इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए जो कि नीचे दिए गए हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जब भी मार्केट 2.5% से ज्यादा गैप अप और गैप डाउन हो, उन दिनों में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गैप अप और गैप डाउन होने के कारण मूवमेंट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। जब यूनियन बजट होता है उस दिन भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला हो, कोई बड़ी न्यूज हो, उन दिनों में भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जब बैंक का हॉलीडे हो या बैंक की स्ट्राइक हो, उन दिनों में भी जब तक न्यूज क्लियर ना हो जब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी डे में भी को ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। जब भी किसी भी कंपनी का कोई रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला हो, बोर्ड की मीटिंग हो, डिविडेंड अनाउंसमेंट हो, उन दिनों में उन स्टॉक से आप ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। उन दिनों में क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है इन इवेंट के दिनों में, जिसके कारण लॉस होने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। बड़े इवेंट के दिनों में ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कोरोना जैसी सिचुएशन आई थी या वॉर की कोई सिचुएशन बन रही हो, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस का सिनेरियो बन रहा हो, उन दिनों में आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि 90% ट्रेडर यहाँ पर लॉस करते हैं इंट्राडे में, तो आपको हमेशा 5% जो ट्रेडर करते हैं अपनी डेली रूटीन में, उन्हीं प्रैक्टिस को आपको फॉलो करना है, जिसके कारण आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। एक नई ट्रेड लेना भी आपके लिए गुड डिसीजन हो सकता है। अगर आप कोई ट्रेड नहीं बन रहा है तो उस दिन आप नहीं ट्रेड करेंगे तो भी बेटर डिसीजन रहेगा। कई लोग जो क्या होता है एक्साइटमेंट के कारण ट्रेडिंग करते हैं,
जैसे कि ऑप्शन में उनको बहुत ज्यादा एडमेंट होता है, कम पैसों में वो ज्यादा लोट ले लेते हैं और ज्यादा प्रॉफिट के भी चांसेस रहते हैं। पर केस मार्केट बोरिंग रहता है क्योंकि यहाँ मूवमेंट भी कम होता है और अभी मार्जिन भी काफी कम कर दिया है, तो इस कारण भी आपको हमेशा बच के रहना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लिमिटेड क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है और इक्विटी में शुरुआत के 3 से 6 महीने आपको इक्विटी केस में ट्रेडिंग करना चाहिए, उसके बाद ही ऑप्शन में स्किप करना चाहिए और सेम स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना चाहिए और उसी में इम्प्लीमेंट करके आपको बढ़ाते हुए जाना चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में 4 चांद लगा देंगे। तो ये कुछ बायस है जिनको अगर आपको पहले से पता होंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। पहला है गैम्बलर फैलेसी। इसमें क्या होता है कि मार्केट कई दिनों से गिर रहा होता है और ट्रेडर ये सोचता है कि भाई काफी दिनों से मार्केट गिर रहा है, यहीं से ऊपर जाएगा, तो उसमें ट्रेडर होते हैं बाइंग एंट्री बना लेते हैं और मार्केट तब भी नीचे ही जाता है जिसके कारण उनको लॉस हो जाता है। दूसरे टाइप के बायर होते हैं रिसेंसी बायस। इसमें क्या होता है कि कई सारे जो ट्रेडर होते हैं आजकल यूट्यूब में नई स्ट्रेटजीज देख लेते हैं, वो 2-3 दिन फॉलो करते हैं, वो ठीक नहीं बैठती तो उनको छोड़ देते हैं, तो ये उस तरह के बायस होते हैं जो कि वो स्ट्रेटजी उस दिन भले ही फॉलो नहीं की हो पर पास्ट में उसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया होगा। यहाँ पर ये बायस है ना, स्ट्रेटजी हमेशा चेंज करते रहते हैं, तो ये आपको हमेशा कभी नहीं करना है, आपको अपनी एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना है, उसमें मल्टीपल आप एडिशन कर सकते हैं। स्टेटस को बायस, वो बायस होते हैं जो कोई निर्णय ही लेना नहीं चाहते, चार्ट पे दिख रहा है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट होके डाउन साइड जा रहा है तब भी वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं और उस लॉस में ही बैठे रहते हैं, वहां पर उनकी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उनका पर तब भी बैठे रहते हैं, तो ये स्टेटस को बायस होते हैं जो कि वहां पर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं और इस कंडीशन में उनको काफी बड़ा लॉस हो जाता है। डेली डिस्काउंट बायस, ये क्या होते हैं कि कई बार उन्होंने लॉस देखा है जिसके कारण वो छोटा सा प्रॉफिट जब दिखता है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट से ही बाहर निकल आते हैं, ये डिले डिस्काउंट बायर्स होते हैं। ड्रेड एवर्जन बायर्स, ये क्या होते हैं कि प्रॉफिट की खुशी पल भर के लिए होती है और घाटे का दर्द लंबे समय तक बना रहता है। जैसे कि आप देखोगे कि आपको जब प्रॉफिट होता है तो उतना कुछ नहीं होता है, पर जब आपको कोई घाटा होता है ना तो उसको आप लंबे समय तक याद रखते हो और उसे आप उसको ये इस तरह से जब देखते हो कि ये मेरा लॉस हुआ है उसको मुझे रिकवर करना है। ये रिकवर करना यानी लॉस रिकवर करना, ये आपके इंटरडे ट्रेडिंग को बड़ा प्रभावित कर सकता है। एक्शन बायस में क्या होता है, कुछ ना कुछ करने की उसको जिद रहती है, अगर उसके डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो वो 9-15 को ही एंट्री ले लेगा, यानी कि उसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो अब उसको ट्रेड लेने की बड़ी जल्दी होती है, भले उसका स्ट्रेटजी या सेटअप फुलफिल हो रहा हो नहीं हो रहा है, उसको बहुत जल्दी रहती है ट्रेडिंग करने की। ऐसे ट्रेडर भी इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी लॉस करते हैं। और लास्ट वाला जो बायस है जीआई जॉयस बायस, ये सब बातें उनको पता होने के बाद भी वो बार बार लॉस करते रहते हैं, यानी कि उनको पता है कि भाई यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस हो रहा है, तब भी वो लोग बार बार वो सेम गलतियां दोहराते रहते हैं, उनको इस तरह की बायस स्ट्रेटजी में रखा गया है। अगर आप इन बायस के बारे में पता है तब भी आप अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लॉसेस को कम जरूर कर सकते हैं। अब बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के 3 रूल। पहला रूल है कि आपको परफेक्ट टाइम पे बाय सेल की एंट्री ढूंढना है, परफेक्ट टाइम पे आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है और के आधार पर ही आपको बाय सेलिंग की एंट्री लेनी चाहिए। जहां पर आपका छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है वहीं जाके आप एंट्री लेंगे तो आपके टारगेट्स बड़े होंगे, तो आपको बाइंग और सेलिंग एंट्री सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास लेनी है और आपका रिस्क रिवार्ड रेशो आप अपने हिसाब से 1:2, 1:1 जो भी स्ट्रेटजी के हिसाब से बैठ रहा है वो वाला रिस्क रिवार्ड रेशो सेट कर सकते हैं। आपको बाइंग सेलिंग एंट्री हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ ही करना है, स्टॉप लॉस का आपको वेट करना जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट हो जाता जब तक आपको एग्जिट नहीं होना है। इसी प्रकार से जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता है जब तक आपको वेट करना है। आपको जब भी बाइंग सेलिंग एंट्री बनाना हो उसके लिए आपको पहले से ही ट्रेडिंग प्लान तैयार रखना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना है और आपको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे आप तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप काफी सक्सेस हो सकते हो। हाउ टू मेक वॉचलिस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको आपका एक रेडीमेड वॉचलिस्ट तैयार होना चाहिए। रेडीमेड वॉचलिस्ट तैयार करने के लिए आप 2 प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, पहला है investing.com और दूसरा है TradingView। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप फॉरेन के स्टॉक को भी ऐड कर सकते हैं, जबकि आप अपने ब्रोकर जैसे जीरोधा एंजल अपस्टॉक में फॉरेन के स्टॉक अपनी वॉचलिस्ट में ऐड नहीं कर सकते। आप इसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना परमानेंट वॉचलिस्ट क्रिएट कर लीजिएगा, जिसमें आपको पहला इंडेक्स का वॉचलिस्ट होना चाहिए, जैसे मुख्य इंडेक्स आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, तो ये सारे आपको ऐड कर लेना है। दूसरा आपको इंडिया वीक्स ऐड कर लेना है। तीसरा आपको डॉलर इंडेक्स ऐड कर लेना है।
तो इंडिया विक्स और डॉलर जो होता है इंडेक्स, ये अपोजिट होता है हमारी निफ्टी के। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इंडिया विक्स और डॉलर इंडेक्स हमेशा नीचे जाएगा। यानी कि मैंने इनके सामने लिख भी रखा है कि ये हमारे मार्केट यानी निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 50 के अपोजिट चलते हैं। यहाँ पर आप टॉप स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि रिलायंस, HDFC, एक्सिस, कोटक, ICICI, SBI, इंफोसिस, इन सारे स्टॉक जो कि टॉप वेटेज रखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, इनका वॉच लिस्ट लिए बनाना जरूरी है, क्योंकि इन स्टॉक्स में जो मूवमेंट होगा एक्चुअल इंडेक्स में भी वही वाला मूवमेंट होगा। फिर आपको अपने करंट ट्रेडिंग स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाना है, साथ ही आपको ग्लोबल मार्केट जैसे कि SGX निफ्टी हो गया, एशियन मार्केट हो गया, आपका यूरोपियन मार्केट हो गया, UK मार्केट हो गया, इन सारे इंडेक्सेस की एक आपको ग्लोबल वॉच लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। इसके लिए मैंने लिंक दे रखी, लिंक पर भी जाकर आप डायरेक्ट जो इंडेक्सेस हैं उनको देख सकते हैं। आपको क्रूड ऑयल को भी हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए, क्रूड ऑयल में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमारा निफ्टी भी क्रूड ऑयल के अपोजिट ही काम करता है। कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, इनको भी आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। ये इसलिए ट्रैक करते रहना चाहिए कि क्या होता है कि इक्विटी मार्केट से पैसा कमोडिटी मार्केट में आता है तो कमोडिटी मार्केट ऊपर की ओर जाता है, और जब कमोडिटी मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो पैसा फॉलो होकर इक्विटी मार्केट में आता है। तो इसलिए आपको इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। आप क्रिप्टो करेंसी जो इंपोर्टेड क्रिप्टो करेंसी है जो कि 24 घंटे मार्केट चलता रहता है, यहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं कि करेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके आधार पर भी आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। आपकी जो करेंसी है USD INR, ये भी आपके निफ्टी के अपोजिट चलता है। अगर USD INR गिर रहा है तो आपका निफ्टी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही आपको सेक्टर वाइज वॉच लिस्ट जरूर बनानी चाहिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, FMCG सेक्टर हो गया, फार्मा हो गया, रियलिटी हो गया, कंज्यूमर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ऐसे तमाम जो सेक्टर होते हैं उनकी एक वॉच लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। यहाँ पर आपको एनालिसिस करना चाहिए किस सेक्टर में आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको फ्यूचर स्टॉक्स की भी एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए, जो कि 560 के लगभग स्टॉक्स है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए आप इन स्टॉक्स का यूज कर सकते हो, इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर स्टॉक्स का यूज कर सकते हो। आपको हमेशा FI और DI के डेटा को ट्रैक करता रहना चाहिए, ये NSE की वेबसाइट या मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट के जो लीडर होते हैं FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये इनका अगर ट्रेड आप फॉलो करेंगे कि बाइंग कर रहे हैं सेलिंग कर रहे हैं, इनका अगर आप थोड़ा सा ट्रेकिंग रिकॉर्ड अपने एक्सेल शीट में रखेंगे या नोटबुक में रखेंगे, आप एक बहुत बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे कि ये अभी क्या कर रहे हैं। एक दो दिन के बाइंग सेलिंग के देखने से कुछ नहीं होगा। होमवर्क ऑफ EOD मार्केट, यानी कि जब मार्केट बंद रहता है उस कंडीशन में आपको आपका होमवर्क रेडी कर लेना चाहिए। आपको जो होमवर्क है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। पहला ये कि आपको चार्ट पर बिग टाइम फ्रेम में देखना है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है उस स्टॉक में वो आपको देखना है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या बढ़ रहा है तो आपको आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट गिर रहा है तो आपको वहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अपने जो चार्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी या आपकी जो ट्रेडिंग वाले चार्ट है उनमें आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि किस तरह के प्राइस एक्शन के पैटर्न बने हुए हैं, वहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है पहले से ही। आपको ये चेक करना है कि स्टॉक या इंडेक्स RSI के 50 के ऊपर है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, अगर RSI के 50 के नीचे है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। आपको एडवांस और डेक्लाइन रेशियो भी NSE की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। VWAP आपको आपकी इंटरडे ट्रेडिंग में बिल्कुल यूज करना है। इंटरडे ट्रेडिंग में आपको VWAP और क्लोजिंग प्राइस ये दोनों को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर VWAP और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट चल रहा है तो आपको बाइंग एंट्री लेना है, अगर VWAP और क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट चल रहा है तो आपको हमेशा सेल एंट्री बनानी चाहिए। आपको SGX निफ्टी और डाउ जोन्स के इंडेक्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, उसी के आधार पर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस जरूर करना चाहिए, उसी के आधार पर आपको अपनी पोजीशंस बनाने में काफी मदद मिलेगी। ऑप्शन चेन के आधार पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो और चार्ट पर उनको ड्रॉ कर सकते हैं। आने वाली अपकमिंग न्यूज जैसे कि क्रेडिट पॉलिसी, इलेक्शन रिजल्ट, हॉलीडे, इन सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए आपको ट्रेडिंग कैलेंडर जरूर बनाना चाहिए, और आने वाले दिनों में किन किन दिनों में ये चीजें होने वाली है आपको पहले से पता होनी चाहिए। सेक्टर एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको सेक्टर एनालिसिस बिल्कुल करना चाहिए। आपको ये देखना है कि किस सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस हो रहा है, किसमें अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके आधार पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपकी जो स्टॉक के चार्ट है उनके चार्ट को जरूर देखना चाहिए कि उनमें अभी ब्रेकआउट आया है, कौन सा चार्ट पैटर्न बना है, कौन से स्ट्रेटजी
स्ट्रेटजी फॉलो हो सकती है जिसके कारण आप इंट्राडे में एक बहुत अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक को सिलेक्शन करने की बहुत सारी मेथड है, पर अगर आप इक्विटी केस में काम करते हैं तो NSE, BSE, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर टॉप गेनर और टॉप लूजर देख सकते हैं। इन स्टॉक्स को आप इनके चार्ट देखिए और देखिए कि इन स्टॉक्स में कल के लिए क्या एंट्री बन सकती है, उस हिसाब से आप टॉप गेनर को बाइंग की ओर ले सकते हो और टॉप लूजर को सेलिंग के लिए आप रख सकते हो। आप NRI 4, NRI 7 ब्रेकआउट जैसी स्ट्रेटजीज का उपयोग कर सकते हो। और इक्विटी केस के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई अगर स्टॉक्स पूरे दिन के लो पर बंद हो रहा है तो उस स्टॉक में अगले दिन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर स्टॉक अपने हाई के पास बंद हो रहा है तो आपको उन स्टॉक्स में बाइंग की एंट्री हमेशा ढूंढनी चाहिए। देखिए इक्विटी डिलीवरी स्टॉक्स जो होते हैं उनमें अगर 60% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज आता है, और आप NSE की वेबसाइट पे इसको डिलीवरी परसेंट को चेक कर सकते हैं कि किन स्टॉक्स में डिलीवरी परसेंट हाई है, तो उन स्टॉक्स में बुलिशनेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर जिस भी स्टॉक्स में डिलीवरी परसेंट कम आ रहा है उनमें गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो EOD चार्ट एनालिसिस आपको जरूर करना चाहिए, उसमें आपको चार्ट पैटर्न, रिवर्सल, ब्रेकआउट, फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके ये सारी चीजें देखना चाहिए उस चार्ट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। प्री मार्केट ओपनिंग अगर आप देखते हैं 9:08 पे फाइनली क्लोज हो जाता है, तो उस टाइम पर आप ये देख सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो रहा है, नेगेटिव ओपन हो रहा है, आप पहले से ही देख सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स उसमें अच्छा वॉल्यूम हो, वॉलेटिलिटी अच्छी हो, इसे ही 10-20 स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है, वो ब्लू चिप स्टॉक्स होना चाहिए ताकि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको हमेशा एक फिक्स वॉच लिस्ट बनानी है जिसमें टॉप 10 स्टॉक्स को जरूर ऐड करना है, उनको ट्रैक करना चाहिए ताकि वो आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बता दे। इंट्राडे ट्रेडिंग में कई सारी स्ट्रेटजी हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जो स्टॉक्स अपने हाई के पास बंद हुए हैं उन्हें कल बाइंग के लिए, और जो स्टॉक अपने लो के पास क्लोज हुए हैं ऐसे स्टॉक को आप सेलिंग के लिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर उनमें 2% से ज्यादा गैप अप गैप डाउन होता है तो उनमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में काफी कम हो गई है। रिटेल ट्रेडर हमेशा ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आपको हमेशा इंडेक्स प्राइस पर फोकस करना है, जिसको स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। इसी से डेरिवेटिव की उत्पत्ति होती है जिसमें फ्यूचर और ऑप्शंस आते हैं। तो ऑप्शन में काफी लोग ट्रेडिंग करते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई मुझे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट फॉलो करना चाहिए या निफ्टी इंडेक्स का चार्ट फॉलो करना चाहिए। तो मैं सजेशन करूंगा आपको कि भाई आपको हमेशा निफ्टी इंडेक्स का चार्ट फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर एक कमी जरूर आ जाएगी कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। वॉल्यूम आप जिस भी स्टॉक प्राइस में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, या तो फिर निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ऐड करके भी आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर कैंडल में या पर्टिकुलर रेंज में क्या वॉल्यूम बन रहा है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए क्लोजिंग प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आधार पर ही कैलकुलेशंस होता है। और अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट चल रहा है तो आपको बाइंग डिसीजन लेना है, और अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट चल रहा है तो आपको हमेशा सेलिंग एंट्री लेना है। कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी बात कर रहे हैं। आपको चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ब्रेकआउट पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्रेकआउट में आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, साथ ही उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। पिवट पॉइंट की स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। 2 मूविंग एवरेज कीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज 20 का और 50 का। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में भी आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ स्पेशली 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ, और एक सिंपल मूविंग एवरेज 40 का और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 40 का, इन दोनों को तो मैं 5 मिनट में हमेशा ट्रेक करता हूँ, और इन्हीं के आधार पर मैं एंट्री लेता हूँ मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रेटजी के अनुसार। बोलिंजर बैंड आपको तभी यूज करना है जब वहां पर नैरो रेंज हो जाए बोलिंजर बैंड में। तो जब नैरो रेंज हो जाती है ना, तो उस समय आपको एक बड़ा मूवमेंट मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। RSI सिर्फ आपको ये दिखाएगा कि आप इस समय ये स्टॉक है ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत पावरफुल टूल है, इसके थ्रू आप चार्ट पर काफी लेवल ड्रॉ कर सकते हो और एग्जैक्ट बाइंग एंट्री और एग्जैक्ट सेलिंग एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। प्राइस एक्शन में आप चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक को अगर फॉलो करते हो तो उसके आधार पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। गैप अप और गैप डाउन की कुछ स्पेशल स्टडीज है, उन स्टडीज का फॉलो करके भी उन दिनों में ट्रेडिंग कर सकते हो जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। बेस्ट इंडिकेटर फॉर
इंट्राडे ट्रेडिंग कई सारे इंडिकेटर्स है, पर मैं पर्सनली पिवट पॉइंट को यूज करता हूँ की सेटिंग में। मैं फिबोनाची को यूज करता हूँ। मूविंग एवरेज में मैं दो मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें मैं अपनी जरूरत के हिसाब से 5, 9, 20, 50, 100 और 200 के मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ। मैं 100 वाले मूविंग एवरेज का यूज सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को पता करने के लिए करता हूँ कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। RSI का यूज भी मैं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के लिए करता हूँ और डाइवर्जन पता करने के लिए करता हूँ। अगर डाइवर्जन बन रहे हैं तो उसके आधार पर भी मैं बाइंग सेलिंग इनिशिएट करता हूँ। पिवट पॉइंट का उपयोग मार्केट के डायरेक्शन को पता करने के लिए करता हूँ और एंट्री के लिए भी करता हूँ। बोलिंजर बैंड में भी कई सारी स्टडीज है और बोलिंजर बैंड का उपयोग भी आप स्पेशली जब ये नैरो रेंज में आ जाता है तब जाके आप यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और इससे मैं M पैटर्न, W पैटर्न और बहुत सारे जितने भी चार्ट पैटर्न बनते हैं उनमें मैं एक्यूरेट लेवल को फाइंड आउट कर पाता हूँ और इसी के आधार पर मैं ये भी फाइंड आउट कर पाता हूँ कि भाई ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है या फास्ट ब्रेकआउट है। कुछ लोग MACD का यूज करते हैं। MACD में भी जब भी आपको क्रॉसिंग ओवर मिले तब आप यहाँ पर ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टोकास्टिक्स भी आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं जो सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर स्टोकास्टिक बहुत ही अच्छे से काम करता है। छोटे टाइम फ्रेम में इस स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छा काम करता है स्टोकास्टिक। ट्रेंड लाइन भी आप यूज कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, उसके आधार पर भी आप इंट्राडे में बाइंग सेलिंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल आपको इंट्राडे में यूज करना चाहिए। बेस्ट चार्ट प्लेटफॉर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे जो चार्ट है वो आपका जो ब्रोकर है एंजल है, जीरोधा स्टॉक है, उसका चार्ट यूज कर सकते हैं। उनमें भी दो तरह के चार्ट पैटर्न है, IQ चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू भी आपको वो देते हैं। तो आप अपने, मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू का यूज करता हूं और ट्रेडिंग व्यू इनका एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग मनी कंट्रोल इनके भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आप क्या करिए, या तो invest.com या ट्रेडिंग व्यू दोनों में से किसी का एक ऐप सिस्टम पर लॉगिन कीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिएगा और वहाँ पर एक वॉच लिस्ट जरूर क्रिएट कर दीजिएगा जो मैंने पहले वॉच लिस्ट बताई, जिसमें कि आपको सारे इंडेक्स और करेंसीज और इंडाइसिस और आपके वर्ल्ड के जो इंडाइसिस है वो सारा कुछ आप देख सकते हो। साथ ही इकोनॉमिक कैलेंडर और स्कैनर की सुविधा भी आपको ये सब चीजें देता है। तो आप ट्रेडिंग व्यू, मनी कंट्रोल, investing.com, इन्वेस्टिंग व्यू लिखा है investing.com है तो इसको आप देख सकते हो। साथ ही हमारा ट्रेड ऑन मनी का भी एक स्कैनर है, उसका भी आप ट्रैकिंग में रख सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।